अब तीसरी एक और बात मैं आपको बताने लगी हूँ जिस पे कि आप बहुत हैरान होंगे, अगर आप बहुत ओवर हाइजीन होते हैं, यानी आप सोप का, साबुन का अगर इस्तेमाल अपने प्राइवेट पार्ट्स को धोने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें नुकसान ये होता है कि गुड बैक्टीरियाज भी किल हो जाते हैं और जो वजाइना की पीएच होती है वो भी चेंज हो जाती है। प्रोबायोटिक्स का कम इस्तेमाल, अब आप सोचेंगे कि प्रोबायोटिक्स क्या है। कुछ ऐसी फूड्स होती हैं जो आपकी बॉडी के हेल्दी बैक्टीरिया यूटिलाइज करते हैं और वो ग्रोथ में ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन प्रोबायोटिक डाइट्स को आप नेट पर भी देखेंगे तो दे आर बेसिकली फर्मेंटेड फूड, जैसे फॉर एग्जांपल अचार बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था, ये फर्मेंटेड होता है और इसके अंदर प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, मायसेल्फ के चैनल से आपसे बात मुखातिब हूं। आज हमने बात करनी है कि औरतों के अंदर यूटीआई क्यों ज़्यादा होता है। यूरिन का जो इन्फेक्शन है वो फीमेल्स के अंदर बहुत कॉमन है। इसकी एक तो बड़ी जो वजह है वो ये है कि फीमेल की जो यूरेथ्रा है वो शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू मेल के अंदर, इसलिए अगर उसके अंदर कोई भी जरासीम रिजाइड करता है तो वो जल्दी मसाने तक पहुंच जाता है और वहां पे ग्रोथ पकड़ लेता है। दूसरा, फीमेल की मेंस्ट्रुअल हाइजीन, यानी जब आपको पीरियड्स हुए होते हैं और आप अपनी हाइजीन सही तरीके से नहीं रखते हैं तो उस दौरान भी जो ब्लड होता है वो बहुत अच्छा कल्चर होता है जिसके ऊपर ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं, और जब वो बैड ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको आगे वजाइना में भी जा सकते हैं और यूरिन की जो वो है यूरेथ्रा है वहाँ भी जा सकते हैं और इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट ये कि प्रेगनेंसी, फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो उस वक़्त भी बहुत चांसेस होते हैं कि उसके अंदर पेशाब का इन्फेक्शन हो जाए। वजह, एक तो मसाना पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता यूट्रस के प्रेशर की वजह से, दूसरा हमल के अंदर नेचुरली भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी कम हो जाती है और इन्फेक्शन होने का रिस्क हो जाता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी ओवरऑल जो यूरोजेनिटल हाइजीन है वो ज़्यादा बुरी हो तो उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। अब तीसरी एक और बात मैं आपको बताने लगी हूँ जिस पे कि आप बहुत हैरान होंगे, अगर आप बहुत ओवर हाइजीन होते हैं, यानी आप सोप का, साबुन का अगर इस्तेमाल अपने प्राइवेट पार्ट्स को धोने के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें नुकसान ये होता है कि गुड बैक्टीरियाज भी किल हो जाते हैं और जो वजाइना की पीएच होती है वो भी चेंज हो जाती है। अब वजाइना की जो नॉर्मल पीएच है उसको ज़रूरी है मेंटेन करना, क्योंकि उसके ऊपर एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लैक्टोबेसिलस कहते हैं। ये लैक्टोबेसिलस जो है ये वजाइना के जो बैक्टीरियाज हैं उनको बैलेंस करके रखता है और हेल्दी बैक्टीरिया जो होते हैं वो बुरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं करने देते ज़्यादा। अगर आपके हेल्दी बैक्टीरिया कम होंगे तो बैड बैक्टीरिया की कॉलोनाइजेशन ज़्यादा होगी और आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए जो प्राइवेट पार्ट्स के लिए बहुत सारे जो वॉशेस हैं वो अवेलेबल हैं जिनकी पीएच न्यूट्रल होती है, क्योंकि साबुन या जो शैम्पू होता है दे आर बेसिकली एसिडिक इन नेचर और उनमें सल्फेट्स होते हैं जो कि जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनको भी किल कर देते हैं। इसी तरह से वो पेशेंट जो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, मैंने देखा ये है कि पेशेंट्स को हल्का सा नज़ला ज़ुकाम फ्लू हुआ ही नहीं और वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ प्लीज़ एक बात याद रखें कि बहुत सारे 90% जो फ्लू होते हैं वो वायरल होते हैं। जब तक बैक्टीरिया का कोई हमें साइन नज़र नहीं आता ना तो डॉक्टर को एंटीबायोटिक देनी चाहिए ना मरीज़ को लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो आप जितनी मर्ज़ी एंटीबायोटिक कर लें वायरस की सेहत के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, और वायरस अपने 6 to 7 days का जो साइकिल है वो पूरा करेगा। लेकिन जब आप ओवरऑल एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा तो आपकी जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से प्रोबायोटिक्स का कम इस्तेमाल, अब आप सोचेंगे कि प्रोबायोटिक्स क्या है।
कुछ ऐसी फूड्स होती हैं जो आपकी बॉडी के हेल्दी बैक्टीरिया यूटिलाइज करते हैं और वो ग्रोथ में ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन प्रोबायोटिक डाइट्स को आप नेट पे भी देखेंगे तो दे आर बेसिकली फर्मेंटेड फूड, जैसे फॉर एग्जांपल अचार बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था, ये फर्मेंटेड होता है और इसके अंदर प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दही फर्मेंटेड होता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर जो मौजूद होते हैं गुड बैक्टीरियाज की बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से फर्मेंटिंग मीडियाज, जितने भी जो आपके पास फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, यीस्ट, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर प्रोबायोटिक होता है। जर्मिनल फूड्स, यानी कि अगर एक सीड है उसको थोड़ी देर के लिए भिगो दें और वो अपनी शाखें निकालना शुरू कर देता है जब, तो उस वक़्त हम उसको कहते हैं कि ये जर्मिनल सीड बन गया है। ऐसे जो सीड्स होते हैं उनको भी इस्तेमाल करने से इम्यूनिटी बहुत बेहतर हो जाती है। तो आपके अंदर इन्फेक्शन की जो वजूहात हैं वो वही उनका इलाज है, यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को बेहतर करें, एंटीबायोटिक कम से कम इस्तेमाल करें, अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करने के लिए साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, प्लेन वाटर के साथ इसको वॉश करें और वॉश करने के बाद ड्राई करें, क्योंकि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बॉडी के अंदर होता है और अगर ह्यूमिडिटी होती है तो वो उससे उसको उसके अंदर जरासीम की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें अपनी फूड के अंदर और फाइबर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। जो अपनी जो छोटे बच्चों के अंदर कई दफ़ा जो इन्फेक्शन होता है वो ये जो हम सिलिकॉन के या पोलिएस्टर के जो उनको कपड़े पहनाते हैं या पैंटीज पहनाते हैं उस वजह से भी हो जाता है, उनको भी अवॉइड करें और प्रॉपर कॉटन के जो ट्राउज़र्स और कॉटन की अंडर जो गारमेंट्स हैं वो यूज़ करें जिसमें पोलिएस्टर ना हो, वो भी बहुत ज़्यादा एयर को ब्लॉक करता है और जब एयर एक्सचेंज नहीं होती है तो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें थी जिनको हमने मद्देनज़र रखना है ताकि आपकी जो यूरिन है उसके अंदर इन्फेक्शन को कम से कम किया जा सके और आपकी जो है वो यूरिनरी अगर ट्रैक में इन्फेक्शन का सबूत जब तक ना मिले एंटीबायोटिक ना खाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।